Hello friend, welcome to the PK tutorial. Today we will discuss about how to draw prose with missing value in RStudio. So let's start. Firstly, हम code session पे जाते हैं R पे. तो यहाँ पे हमारा data है df, जो कि हम df data frame के नाम से import करवा लेंगे. df हमारी data frame है, जिसके अंदर हमारी 15 rows हैं और 8 column हैं. जो कॉलम है उनके नाम है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, जेंडर, सिटी और सेल. जैसा कि मैंने टॉपिक में बताया था, आज के टॉपिक में हमें एनयूवी वैल्यू को हमारे डेटा फ्रेम से हटा देनी है. तो हमारे इस डेटा में हमारे तीन कॉलम के अंदर एनए वैल्यू है. पहली है सैलरी में, दूसरी है सिटी में और तीसरी है सेल में. इनमें डिफरेंस क्या है? सैलरी और सेल ये दोनों न्यूमेरिक फॉर्म में है और सिटी जो है वो कैरेक्टर फॉर्म में है. तो जो हमारी डेटा इंपोर्ट करवाया उसमें यहाँ पे एनए आना चाहिए, बट ये क्या है, कैरेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ पे एनए नहीं आएगा. तो इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को रिमूव करना सीखेंगे, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें होगी, जिस कॉलम में, उनकी रोज को हटाना सीखेंगे. तो आइए देखते हैं कैसे हटाएंगे न्यूमेरिक वैल्यू से. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हमारे पास में जो, जैसा कि मैंने बताया था कि दो क्लास होती हैं, न्यूमेरिक और कैरेक्टर. तो वन बाय वन देखते हैं. पहले हम देखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू से. इसके लिए हमारे पास में तीन मेथड है. फर्स्ट मेथड जो है उसमें हमारे पास कमांड है na.omit. na.omit की हेल्प से हम कंप्लीट डेटा फ्रेम में से एनए वैल्यू हटा देंगे. ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बताया था, न्यूमेरिक वैल्यू में से ही हटेगा, न कि कैरेक्टर वैल्यू में से, ठीक है. तो हमने जैसे ही इस नई डेटा फ्रेम को बनाया df1 और इसमें na.omit कमांड का यूज किया, तो हमारे पास में एक नई डेटा फ्रेम आ जाती है df1. df1 के अंदर हमारे कॉलम तो 8 हैं, लेकिन रो कितनी हो गई है, 10 हो गई है. तो हमारा जो सैलरी पार्ट में था और सेल पार्ट में जो एनए वैल्यू आ रखी थी वो सभी हट गई है. ऐसा किस लिए हुआ है? na.omit कमांड की हेल्प से. तो na.omit कमांड का यूज क्या होता है? कंप्लीट डेटा में से हमारा न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है उनमें से, न्यूमेरिक वैल्यू वाले कॉलम में से एनए वैल्यू हट जाती है. सेम ही केस इसमें रहेगा सेकेंड मैथड में. इसमें हम कमांड यूज करेंगे कंप्लीट डॉट केस. इसके लिए मैंने एक दूसरी डेटा फ्रेम बना ली है df2 के नाम से और इसमें कमांड लगाई है, पहले डेटा फ्रेम का नाम लिखा, उसके बाद में कंप्लीट डॉट कैसेज और हमारी डेटा फ्रेम का नाम यहाँ पे लिख दिया. ये कोमा लगा दिया है. कोमा के इधर वाला होता है रो के लिए अप्लाई होता है और इधर वाला होता है कॉलम के लिए अप्लाई होता है. तो कॉलम के अप्लाई के लिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया है और रो के लिए हमने एक कमांड लगा दिया है. अब df2 को मैंने रन किया तो df2 जो डेटा फ्रेम है हमारी बन गई है, जिसमें हम देख सकते हैं 10 रोज हैं और 8 कॉलम हैं. तो यानी कि ये सेकेंड मेथड था जिसकी हेल्प से हमारा सैलरी और सेल में से हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज में जो एनए आए थे वो सभी हट गए हैं. ध्यान रखना, हमारी कैरेक्टर में से नहीं हटे हैं, क्योंकि सिटी जो था वो एक कैरेक्टर कॉलम है, यानी कि इसकी क्लास क्या है, कैरेक्टर है. सो इसमें से नहीं हटेगा, सिर्फ न्यूमेरिक वाले में से हटेगा. उसके बाद में हम देखते हैं कि रिमूविंग बोथ नल एंड मिसिंग. सो इसके लिए हम वन बाय वन देखते हैं. रिमूव मिसिंग वैल्यू ओनली फॉर सिंगल कॉलम. तो ये जो हमारी कमांड है df3 के नाम से, हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे और इस कमांड का यूज करके हम सिर्फ एक सिंगल कॉलम के लिए एनए वैल्यू को हटाएंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास में बहुत सारे कॉलम होते हैं और बहुत सारे कॉलम में से हमें सिर्फ सेलेक्टेड कॉलम के ही एनए हटाने होते हैं, क्योंकि उनमें से जो पहले दो हमने मेथड पढ़े हैं उन दोनों में क्या होता है कि सभी एनए वैल्यू हट जाती है जिस कॉलम में आता है. तो हमें सिर्फ एक स्पेशल कॉलम से ही हटाना है. तो एक नई डेटा फ्रेम बनाई df3, उसमें हमने नाम लिख दिया, क्या कमांड लगा दी. ये क्या चीज़ है? ये है लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका यूज बताया मैंने कि इनका यूज होता क्या है.
तो लॉजिकल ऑपरेटर हमने बनाया है नॉट के नाम से, ये नॉट इक्वल टू होता है। तो इसमें क्या होगा कि हम जो भी लिखेंगे उसका ऑपोजिट आ जाएगा, ये मतलब वो चीज़ नहीं लेगा ये। तो मैंने एक कमांड लगाई इज डॉट एन ए, जहाँ पर भी इज डॉट एन ए होम मतलब कि एन ए वैल्यू हो, और कॉलम क्या हो उसमें डी एफ डॉलर सैलरी, सैलरी वाला कॉलम हो, तो हम सैलरी में से क्या हटा देंगे एन ए वैल्यू हटा देंगे। तो मैंने रन किया डी एफ थ्री, अब डी एफ थ्री के अंदर क्या हो गया है, डी एफ थ्री के अंदर से हमारा एन ए वैल्यू हट गई है, ना कि सेल पार्ट में से हटी है। ये देखिए हमारे कितने दिखा रहा है यहाँ पे, 11 रोज दिखा रहा है और 8 कॉलम दिखा रहा है। तो सेल में से नहीं हटी है, सिर्फ सैलरी में से एन ए वैल्यू हट गई है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिमूव मिसिंग वैल्यू ओनली फॉर सिंगल कॉलम, जो कि हमारे 11 रोज बच गई थी हमारी, यानी कि सेल वाले पार्ट में नहीं हुआ था। तो हम इस डेटा फ्रेम को हम यहाँ पे लेंगे और डेटा फ्रेम 4 के नाम से एक नई डेटा फ्रेम बनाएंगे DF4, और इसमें भी हम सेल पार्ट में से क्या हटा देंगे एन ए वैल्यू हटा देंगे। तो हमारे पास में कंप्लीट कितनी आ जाएगी, जैसा कि DF2 और DF1 में हुआ था, यानी कि DF4 में कितने आ गए हमारे 10 रोज आ गई है, और हमारा सैलरी और सेल दोनों पार्ट में से हट गया है। ठीक है, अगर हमें सेम चीज़ करनी हो एक साथ में, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर और का यूज करेंगे, यानी कि इसमें से भी हट जाए और इसमें से भी हट जाए। ठीक है, तो जैसे ही हम DF5 को रन करेंगे तो हमारे पास में एक नई डेटा फ्रेम बन जाएगी, जिसमें भी 10 रोज होगी और उसमें भी एक साथ में सभी कॉलम हट जाते हैं जिन जिन में एन ए वैल्यू होती है और न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, अब हम कैरेक्टर जो क्लास होती है उनका भी हम देखेंगे कि कैसे हटेगा, तो ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।